करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मैं आपको बता दूं कि बुरारी मामले में कहीं ना कहीं दिल्ली के बुरारी इलाके में जो 11 लोगों की, एक परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई, उसमें जो चीज़ें सामने आईं वहां बताया जा रहा है कि किसी ने हत्या की है। कई एंगल ऐसे आ रहे हैं जो बताए जा रहे हैं कि बुरारी मामले में कहीं ना कहीं एक तंत्र मंत्र विद्या और अनुष्ठान की वजह से ये मौत हुई है। लेकिन उनके परिवार वाले जो कहते हैं कि ये तंत्र मंत्र पर उनका परिवार पूरी तरीके से कोई यकीन नहीं रखता था, ये सिर्फ कहने की बातें हैं और सिर्फ पर जो पुलिस है उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस अपना पल्ला झाड़ने के लिए, फाइल बंद करने के लिए ये सारी चीज़ें बोल रही है। लेकिन एक के बाद जो बातें सामने आ रही हैं कि बुराडी मामले पर अब राजदार, कहा जा रहा है कि अब दो राजदार खोलेंगे 11 लोगों की मौत का राज, यानी कि उनके जो राजदार हैं वो मौत का राज खोलने के लिए तैयार हैं। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली क्राइम ब्रांच बुराडी में एक भी परिवार के 11 सदस्यों की मौत के राज से पर्दा उठाने के लिए दिन रात हर संभव प्रयास कर रही है और जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को ललित और उसके परिवार के बेहद करीबी दो राजदारों के बारे में पता चला है, जिसने क्राइम ब्रांच पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। यानी कि राजदारों के बारे में पता चला जिसमें क्राइम ब्रांच है पूछताछ के करने की तैयारी कर रही है। क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि इन दोनों से कुछ अहम जानकारियां हाथ लग सकती हैं। हालांकि पुलिस ने अभी उन लोगों की पहचान जाहिर नहीं की है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो क्राइम ब्रांच की पहली जो टीम उस घर में पहले दिन दाखिल हुई थी और वो टीम खुद इस मामले को हत्या मान रही है। यानी कि जो क्राइम ब्रांच की जो पहली टीम थी वो टीम है उस घर में पहले से दाखिल हुई थी और वो टीम खुद इस मामले को हत्या मान रही है। यानी कि कई चीज़ें हैं जो हत्या से जुड़ी हुई लग रही थी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब टीम ने मौका वारदात का मुआयना किया और रसोई में देखा तो रसोई में सुबह के नाश्ते की तैयारी की गई थी। एक बर्तन में चने भिगो कर रखे गए थे और एक बर्तन में दही जमा रखी गई थी। मतलब अगर कोई आत्महत्या करेगा तो वो इन चीज़ों को क्यों करेगा, वो क्यों चना भिगोएगा और दही जमाएगा, क्योंकि ये सभी को लगता है कि ये कहीं ना कहीं कोई साजिश है। अगर कोई परिवार आत्महत्या करना चाहता है पहले तो इस आत्महत्या करने के लिए कोई भी परिवार इस तरीके से तैयार नहीं हो सकता। अगर बाय चांस अगर तैयार भी होता है तो फिर इस तरीके की मौत, अगर कोई एक आत्महत्या करता है तो दूसरा क्यों खड़ा देखता रहा। अगर कोई हत्या करने आया था, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुत्ता क्यों नहीं भौंका। अब कुत्ता, कहा यह भी जा रहा है कि ललित जो है वो रात को 11 बजे तक, जो उनके सदस्य घर के सदस्य वो 11 बजे तक जिस तरीके से काम कर रहे थे और इसके बाद 11 बजे उन्होंने कुत्ते को बाहर टहलाया और टहलाने के बाद वो कहीं ना कहीं दूसरी मंजिल पर कुत्ते को बांध कर आ गए थे। अब ये देखा जा रहा है कि टीम के मौके वारदात का मुआयना किया जहां उसमें चने भिगोए हुए रखे थे, दही जमाया हुआ रखा था, तो बर्तन में दही जमा रखा था। अब सूत्रों की माने तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उनको ये मालूम नहीं था कि उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि रजिस्टर के मुताबिक वो परमात्मा से मिलकर वापस आने वाले थे। बुराडी में 11 मौतों ने सबको सन्न करके देख लिया। यानी कि एक आदमी इतना अंधकार, इतना तंत्र मंत्र विद्या में लीन हो जाता है कि उसको, पढ़े लिखे आदमी को इतना भी यकीन नहीं हुआ कि आजकल के ज़माने में क्या इतना कुछ आसान है कि परमात्मा से मिलने, मरकर भी परमात्मा से मिलकर आ सकते थे।
यानी कि ये माइंड वॉश किया गया है, ऐसा लगता है कि किसी ना किसी तरीके से इस चीज पर माइंड वॉश किया गया है और तभी ये सारी चीजें सामने आई हैं। अब अगर कोई चना, कोई घर में अगर चना भिंगो कर रखा है, दही जमा कर रखा है, तो उसे पता है कि सुबह नाश्ता बनाना है, तो इसीलिए उसने ये सारी चीजों का इंतजाम करके रखा है। अब परमात्मा से मिलने के बाद, आने के बाद नाश्ता बनाया जाएगा क्या? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरे में लिए जा रही हैं। पुलिस भी पूरी तरीके से हैरान है कि आखिर बुराड़ी मामले में ऐसा क्या हुआ जो पूरी तरीके से अनसुलझा हुआ लग रहा है। अब लोगों का मानना है कि इसलिए होगा क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि रजिस्टर के मुताबिक वो परमात्मा से मिलकर वापस आने वाले थे। बुराड़ी में 11 मौतों ने सबको सन्न करके रख दिया है, लेकिन धीरे धीरे रहस्य, अनुमान, आशंका, तंत्र मंत्र की आड़ में छुपी इस कहानी के कई सिरे पकड़ में आने लगे हैं। सबसे बड़ा सबूत और गवाह वो रजिस्टर है जो बुराड़ी की हत्याओं की इनसाइड स्टोरी बता रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो गवाह जो हाथ लगा है वो रजिस्टर है, क्योंकि उस रजिस्टर के जरिए हर चीज मालूम चल रही है कि आखिर परिवार क्या करना चाहता था, किस तरीके से करना चाहता था। अब सूत्रों के रूप में परिवार के छोटे बेटे ललित पर शक की सुई आकर टिक गई है। घर में बरामद हुए रजिस्टर, डायरी और बाकी सबूतों से इशारा मिल रहा है कि तंत्र मंत्र के फेर में बुराड़ी का भाटिया परिवार हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गया। क्या था? लेकिन उनका परिवार जो है, उनसे जो संबंधित लोग हैं, वो कहते हैं कि वो तंत्र मंत्र और बाबाओं पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन रजिस्टर ये बता रहा है कि वो तंत्र मंत्र विद्याओं पर यकीन रखते थे। अब आवाज़ लौट आने के बाद तो ललित को अपने पिता लगातार दिखाई देने लगे, उनके आदेशों को सुनने और मानने लगे थे। पिता का असर अब उस पर ऐसा था कि वो उनकी आवाज़ भी हूबहू निकालने लगा था। ललित का दावा था कि मृत पिता भोपाल सिंह उसके जरिए पूरे परिवार से संपर्क में, बकौल पुलिस ललित अपने पिता के हर आदेश को उन रजिस्ट्रों में लिखता गया जो घर में बरामद हुआ था। भाटिया परिवार को भी ललित के इन एहसासों पर अंधा भरोसा था, इसलिए वो ललित के बताए अनुसार ही काम करने लगे थे। और एक रोज ललित के पिता ने उसे परिवार से उनकी मुलाकात कराने का आदेश भी दिया था। यानी कि एक रजिस्टर में ललित ने पिता का हवाला देते हुए लिखा कि मैं कल या परसों आऊँगा, नहीं आ पाया तो फिर बाद में आऊँगा। रजिस्टर में लिखी हर बात ललित लिख रहा था, वो पिता से मिलने के बाद अब भी इसी रजिस्टर में भगवान से मिलने की बात लिखने लगा था। सारी बातें इस तरह लिखी गई जैसे पिता भोपाल सिंह लिख रहे हों, रजिस्टर में इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। अब रजिस्टर में आगे लिखा था कि तुम्हें पता है कि भगवान कभी भी हमारे घर में आ सकते हैं, इसलिए पूरी तैयारी रखो। बीते शनिवार की रात और रविवार के बीच जो कुछ भाटिया परिवार ने किया उसके बारे में भी ललित ने रजिस्टर के एक पन्ने पर तप्तील से सब कुछ लिखा हुआ है। और आखिरी समय पर झटका लगेगा, आसमान हिलेगा, धरती हिलेगी, लेकिन तुम घबराना मत, ये रजिस्टर में लिखा था। और मंत्र जाप तेज कर देना, मैं तुम्हें बचा लूँगा, और जब पानी का रंग बदलेगा तब नीचे उतर जाना और एक दूसरे के नीचे उतरने में मदद करना, तुम मरोगे नहीं बल्कि कुछ बड़ा हासिल करोगे। ये अंधविश्वास की जो कहानी रजिस्टर में लिखी थी, ये लिखा था कि ये कितनी तरीके से अंधविश्वास के फेरे में पूरे परिवार को पूरे मौत की आहुति में डाल दिया। शायद यही वह आदेश था जिसे पूरा करने के फेर में पूरा परिवार ने जान दे दी। भाटिया परिवार उस रहस्यमय जाल में पूरी तरीके से फंस चुका था जो कहीं ना कहीं इस रजिस्टर में लिखी हुई कहानी बयां कर रही है, कि आखिर रजिस्टर में लिखी हुई कहानी बता रही है कि भाटिया परिवार पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुका था तंत्र मंत्र विद्या के। और यही ये हर पहलू पर जाने के बाद खंगालने के दौरान पुलिस को कई डायरियां और रजिस्टर मिले हैं, जिनमें 200 पन्नों का वो रजिस्टर सबसे अजीब सा है जो पूजा स्थल पर रखा हुआ था। इस पर 27 मई 2013 से लिखने की शुरुआत हुई थी जो बीच में बंद हो गई थी, लेकिन
इसके बाद फिर 2015 में रजिस्टर में कुछ बातें लिखी गई। इस साल जनवरी महीने से रजिस्टर तरह तरह की बातें लिखी जाती थी। उनके पिता जो भोपाल सिंह थे वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को बताते थे, कहा जाता था, और ललित उन रजिस्टर में सारी चीज़ों को एक एक करके लिखता जाता था, क्या क्या करना है। यानी कि ये भी चीज़ें सामने आ रही थी कि परिवार को किस तरीके से काम करवाना है, किसका काम कब करेगा कोई, किस तरीके से कौन कब क्या करने वाला है, ये सारी चीज़ें रजिस्टर में दर्ज की गई थी। यानी कि पूरे मामले में अब जो चीज़ें खोलने में जो राजदार जो हाथ लगे हैं पुलिस की, अब उस राजदारों के हवाले से पूरी चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर पुलिस किन चीज़ों पर और खुलासा करती है। ये आप देखते रहें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।